श्री राम। माता जी, आज पिताजी अभी तक दरबार से क्यों नहीं आए? हाँ बेटा, वो आते ही होंगे। है मन में एक विशाल कोहरा। यह माता पुत्र बातें करते हुए कितने अच्छे लग रहे हैं। हरे हरे, इतना प्रेम से बातें कर रहे हैं, परंतु ये नहीं जानते कि काल ने एक चक्रव्यूह रच दिया है। बहुत ही जल्दी हम तीनों एक दूसरे से अलग होने वाले हैं। इनका प्रेम मिला देखते ही देखते समाप्त होने वाला है। आज समय विपरीत है, है सब मिथ्या पार। काल चक्र करने वाला है आज अचानक घात। बेटा, हम वापसी कर रहे थे, तुम्हारे पिताश्री आ चुके हैं। पधारो पधारो हे प्राणनाथ, पधारो। तुष्य दासी का प्रणाम स्वीकार करो। पिताजी, पुत्र का प्रणाम स्वीकार कीजिए। पिता परमेश्वर है सबके और लक्ष्मी मात है। पिता दिनकर मात सभी की ज्योति उज्जवल रात है। चिरंजीव रहो पुत्र, मिली पत्नी जिसे यह तो आपका बड़प्पन है जो तुष्य दासी का सम्मान आप इस तरह कर रहे हैं। किंतु महाराज, आज आप इतने उदास, आखिर इसका क्या कारण है? मुख पर छाई, मुख पर छाई क्यों उदासी? लाली माँ का फूल है, सच बताओ प्राण प्रिय, ये मन किस लिए रंजूर है? है? आप बोलते क्यों नहीं? आपको क्या कोई चिंता है? नाथ, अपने चरणों की दासी से कोई भी भेद न छुपाइए। पत्नी ही पति का जीवन है, पत्नी ही पति का सहारा। इस दुनिया में कुछ नहीं पति से पत्नी का और प्यारा है। तुम स्वामी हो, मैं दासी हूँ। क्या बताऊं प्रिय, जी चाहता है कि तुम्हें अपनी सुदासी का कारण सुनाऊं, परंतु मेरा हृदय कांप जाता है। हृदय कांप जाता है? महाराज, ऐसी क्या बात हुई जिसे सुनाने से आपका हृदय कांप जाता है? क्या चुके हैं तो घबराने की क्या बात है? दे दिया जब दान, फिर कहे को हिम्मत हारते? सत्य पर क्यों नहीं अपना
जिन माता पिता ने पाया हो उनका जीवन ही जीवन हो, शुभ निश्चय भाग्य लिखाया हो। हेलो बेटा, महाराज की जय हो। महाराज, ब्राह्मण देवता जी पधारे हैं। देखो बेटा, मैं जो बात तुम्हें बता रहा था यह वही ब्राह्मण की बात होगी। वही ब्राह्मण यहां तक कान पहुंचा है। देखता हूं वशिष्ठ का शिष्य कैसा सत्यवादी है। मैं सत्यवादी का आज सत्य देखूंगा। मैं वो माया बचाऊंगा, वही आकाश भी हिल जाएंगे। मैं वो आंधी जलाऊंगा, मिलाकर खाक में राख उसकी, सत्य उस काट जाऊंगा। सब स्वाहा हो जाएंगे जब मैं उस पर आऊंगा। हेलो ऋषिराज, दूर हट, मेरे चरणों को छूकर इन्हें भीतर मत कर। है मिथ्यावासी, तू क्या समझता है मेरे चरणों को छूकर भीतर हो जाएगा? नहीं, कहलाकर सत्यवादी तू सत्य के नाम पर बट्टा लगाता है। दिया था जो राज तूने, उसे फिर वापस लेना चाहता है। मैं क्या सुन रहा हूं? यह सुनने से पहले मुझे मौत क्यों नहीं आ गई? क्षमा ऋषिराज, क्षमा। यह ताज, यह भूषण, यह सब आपका है महाराज, यह सब आपका है। यह भूषण, यह ताज, यह अस्त्र, यह शस्त्र सब आपका है महाराज। ना कुछ धन काम से मतलब, ना निज धर्म प्यारा है। सत्य के पथ पर चलूंगा, विश्व को जिसका सहारा है। क्षमा कीजिए दिव्यराज, जो अवगुण हमारा परंतु राजन, रानी का क्या विचार है? पति की हर आज्ञा शिरोधार है, पति की आज्ञा से क्या सती इनकार करती है। पति के चरणों पर वह जीवन निशावर सारा करती है। सत्य राजा हरिश्चंद्र से 60 बार स्वर ले लेना। जब तक वह 60 बार स्वर ना दे तो लौट कर वापस नहीं आना। राजा हरिश्चंद्र का सत्य गिराना, हर तरह के प्रचार करना, यदि ना माने कड़ी से कड़ी परीक्षा लेना। राजन, हमने तुम्हें 1 महीने का समय दिया है और समय पूरे होते ही फटक को 60 बार स्वर्ण दे देना।